हेलो इस तो मैं बहुत दिनों से एमसी स्टैंड का म्यूजिक सुन रहा हूँ। मेरे को बहुत ही पसंद आता है एमसी स्टैंड का म्यूजिक। तो मैं कुछ दिनों से उसके टाइप जैसा बीट में बना रहा हूँ, लाइक 6-7 बीट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये मेरा पहला बीट है, लाइक 15-20 दिन पहले मैंने बनाया था। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, एक बार ट्रैक थोड़ा सा सुन लो। तो एमसी सैन का म्यूजिक पे ज्यादातर मेलोडीज होता है, मेलोडीज बीट्स एंड 808, ज्यादा कुछ होता नहीं। तो मेलोडीज में ये मेन मेलोडी है, यहाँ पे जी जी नोट लिया है मैंने एंड एफ शार्प लिया है एंड फिर से जी। तो ये बेस नोट है, इसके ऊपर मैं कॉर्ड्स नहीं बनाया क्योंकि उसमें कॉर्ड्स पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ मेलोडी होता है। तो मेलोडी मैंने बनाया इसके ऊपर। इस ट्रैक का बीपीएम है 123, जो हाफ करके 60 के अराउंड आ रहा है, 62-61। एंड इसका की है जी हार्मोनिक माइनर। तो ये मेन मेलोडी ऐसा साउंड करना है। तो थोड़ा सा लाइक डार्क सस्पेंस वाला म्यूजिक मतलब वाइब दे रहा है। एंड इसके ऊपर मैंने एक सिंपल सिंपल पियानो लिया है, थोड़ा डार्क डार्क वाला पियानो, मतलब सेम वही वही सेम मेलोडी है। एंड उसके ऊपर मैंने और थोड़ा नोट्स ऐड कर दिया है। यही बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड और एक की है एकदम टॉप पे प्ले हो रहा है, लाइक और थोड़ा लाइक डार्क वाइब देने के लिए। एंड कोरस पे सिर्फ ये वाला जो की है वो कोरस पे प्ले हो रहा है, प्री कोरस और कोरस पे। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो ये बहुत ही लाइक लेफ्ट में पैन किया हुआ एकदम थोड़ा सा क्वाइट। एंड इसके बाद आता है ड्रम्स। ड्रम्स पार्ट में वही बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रम रैक लिया था, वहाँ पे जो जो सैंपल मैंने यूज़ करना था वो ले लिया था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं एफएल स्टूडियो, और इसमें एफएल स्टूडियो में तुम लोग का अलग से वैसा रैक रहता है, ऐसे ऐसे लाइक नोट को क्लिक करना होता है, रैक रहता है। एंड इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें मीडी चैनल ही आता है, जो जिस चैनल पे जो जो सैंपल लिया है वो दिखाएगा। तो एक की के राइड है और एक क्रैश है, यहाँ पे एक ओपन हैट है, एक रिम शॉट है बहुत वाइट है, एंड ये क्लैप है। तो अभी एक साथ ड्रम रैक कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो अगर गाइस यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, वीडियो अच्छा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद तुम लोग भूल जाते हो। तो अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, तो बाकी का आगे का वीडियोस तुम लोग को मिलता रहेगा। मेन दो चीज़ें हिप हॉप ऐसा बीट के लिए, वो एक हाई हैट एंड 808। तो हाई हैट कुछ ऐसा मैंने पैटर्न बनाया था। तो तुम लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैन क्या हुआ है, या बहुत ही पैन हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन है एबिल्टन में रैंडम पैन बोल के, तो उसको मैंने 37% रैंडम पैन दिया था। तो इसके वजह से वो रैंडमली पैन हो रहा है। बहुत लोग लाइक स्टैटिक एक जगह में हाई हैट को रखते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट ट्राई करने का कोशिश किया। लास्ट जो मेन हिप हॉप बीट का मेन एलिमेंट रहता है वो एक 808, सबको पता है 808। मैंने तो ये बहुत ही सिंपल है कि 808 पैटर्न है ना, कोई ग्लाइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल पैटर्न है। और लास्ट नॉट द लीस्ट वो एक इफेक्ट्स, दो इफेक्ट्स यूज़ किया मैंने, एक एम्बियंस है, एक राइड है, सिर्फ ये हो गया एम्बियंस। बहुत ही कम वॉल्यूम में प्ले हो रहा है, एकदम -30-31 dB में प्ले हो रहा है ये। एंड और एक क्रैशेस टाइप का साउंड है, क्रैश राइट। बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। एंड अगर वीडियो अगर पसंद आया तो वही लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि कोई पार्ट समझ में नहीं आया, या मिक्सिंग मास्टरिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट में आराम से लिख सकते हो, मैं उसका ही और एक छोटा वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सी यू, बाय बाय।